गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं किसले, मेरा नाम किसले है। आप लोगों की आज पीजीटी का पेपर हुआ है कॉमर्स का, ठीक है? और मैं डी सेट मुझे मिला है, डी सेट है ये, यहाँ पे लिखा हर पेज पे डी सेट, सेट डी है, ठीक। मैं इसका आंसर की बता दे रहा हूँ, आप बाकी सेट का मिला लीजिएगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड डिस्काउंट। कुछ लोग इसका आंसर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ये कह रहे एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू ज़्यादा है इज इश्यू प्राइस, इट मीन्स दैट इज 10, दैट इज 9 या 8, तो इसका मतलब इशूड एट डिस्काउंट होगा, ठीक है। स्कलर चेंज प्रिंसिपल हैड बिन गिवन बाय हेनरी फॉयल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एसेट ऑफ अ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट एट दियर बुक वैल्यू। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। फॉर्म में जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उस पर जो एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र किया जाता है पहले बुक वैल्यू पे किया जाता है, ठीक है। और अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उसमें जो है एग्रीड वैल्यू पे किया जाता है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है, ठीक है। ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। ओके बाबू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ लोग आपको ए ऑप्शन बता रहे हैं, गलत है ये, ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम परचेस कर रहे हैं क्रॉप को, हम उगा नहीं रहे हैं, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आप क्या लगाए होंगे वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हेन शेयर फॉरफिट्स कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, सही आंसर है। मॉल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन हमेशा ज्योमेट्रिक वे में इंक्रीज करता है, लाइक 248 इस टाइप में करता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। बेटा एट, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका आंसर होगा 12,000। जितने भी पॉसिबल डाउटफुल हैं उनको जोड़ना है, जैसे ये 3200, इसका केवल 30% लीजिएगा, इसका केवल 40% लीजिएगा, ये 4000 लीजिएगा, जो हमारे डूबने की चांसेस हैं उनके बेसिस पे हम प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बेटा 456 आएगा। कुछ लोग आपको 480 बताएंगे YouTube पे, मत समझिएगा 480, क्योंकि ऑलवेज याद रखिएगा सबसे पहले क्या माइनस होगा 25,000, फिर माइनस होगा 1,000, फिर आएगा 24,000, उस पर बनेगा बेटा 5% प्रोविजन, उसके बाद 1200 माइनस करेंगे जो आएगा उसमें बनेगा 2% प्रोविजन। तो डिस्काउंट जो डेटर है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर, दैट इज 456। हमेशा डिस्काउंट ऑलवेज गुड डेट पे बनाया जाता है, याद रखिएगा। कलेक्शन ऑफ डेटर्स, देखो करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, कलेक्शन ऑफ डेटर में कैसा आएगा, डेटर कम होगा, और दोनों चीज़ें किस में आती है, करेंट एसेट में, हैज़ नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो। The form of organization in which expert assistant is available to line managers is called line and staff organization, आपको मालूम होगा। Inventory turnover ratio, that is activity ratio. Which among the following is not technique of business forecasting? देखो time series भी forecast करता है, ठीक है, regression analysis भी forecast करता है, ठीक है, and input and output analysis भी forecast करता है। वेरियंसेस फॉरकास्ट नहीं करता, वेरियंसेस हमें डिफरेंसेस को बताता है कि एक्चुअल और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंसेस क्या है, ये बात बताता है वेरियंस, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम इज द कैपिटल रिसीट, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 16 बेटा, 16 का आंसर थर्ड है।
ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी है इसका। 17, इंक्रीज इन कॉस्ट पर अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। बेटा कुछ लोग आंसर ऑफ एबनॉर्मल लगाए होंगे, एबनॉर्मल गलत है, नॉर्मल सही है, ठीक है, नॉर्मल सही है, नॉर्मल वेस्टेज। आगे फर्दर हम इस पर आपको वीडियो बना के बता देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि नॉर्मल वेस्टेज कैसे होगा। और प्लीज़ अब तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे भी मैं बहुत फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत फास्ट करके आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बैडेट्स द हैव रिटन इट रिकवरी सब्सिक्वेंट देन दे आर क्रेडिट। कुछ लोग आपको डेटर अकाउंट बताएंगे, गलत बताएंगे। जब आपको बैड डेट्स रिकवरी होती है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। फिर इसको आप ट्रांसफर करते हो तो एंट्री बनता है पीएल टू बैड डेट्स रिकवरी, सॉरी ट्रांसफर करते हो तो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट इज राइट आंसर। इसको बेटा सबको 12 से डिवाइड कर देते हैं, मंथ होता है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 का द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, ठीक बेटा। प्राइम कॉस्ट 20,000 है, देखो इसका आंसर देख लो, देखो होता क्या है, ए प्राइम कॉस्ट होता है, ये 20,000 है, मैं सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट 20,000 है बेटा, ऐड करते हैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जो कि प्राइम कॉस्ट का 25% है, तो 20,000 का 25% बेटा जी कितना होता है, सर 5,000, तो आंसर कितना आ गया बेटा 25,000। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कह रहे हैं इसका 80% है, ठीक, तो 80% कितना आ जाएगा बेटा 4,000, दैट इज आंसर 29,000। वो मुझसे पूछा ऑफिस कॉस्ट, सी कॉस्ट को ऑफिस कॉस्ट बोलते हैं या बेटा इसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आंसर है आपका, ठीक है बेटा। इसने पूछा है कि द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज स्टैंडर्ड डिविजन, बिकॉज रेंज बेटा एलएस पे डिपेंड होता है, हाइएस्ट और लोएस्ट पे। क्वार्टाइल डिविजन आपको मालूम है 50%, 75%, मतलब क्वार्टाइल डिविजन Q3 माइनस Q1, तो Q3 की वैल्यू 75%, Q1 की वैल्यू 25%, अप्रॉक्स मतलब 100% पे नहीं आता, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी वही होता है, तो 100% जो बेस्ड होता है वो B होता है। 23, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ओके अच्छा। 24 में बेटा ये क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों आस्पेक्ट को बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। विच पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। इसका बेटा 3 × 3 × 3, दैट इज आंसर 27, ओके। द बेसिस ऑफ टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस एनुअल वैल्यू होता है बेटा, इनकम टैक्स में हमेशा एनुअल वैल्यू पे टैक्स दिया जाता है। कुछ लोग आपको रेंट रिसीव बताएंगे, गलत बताएंगे, लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे बेटा बट गलत बना रहे हैं, ठीक है ओके। दैट इज द 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जब प्रीमियम पे करते हो तो एंट्री क्या करोगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद बेटा 29 का, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। 30 का, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% इशू प्राइस ऑफ द शेयर। देखो कुछ लोग नॉमिनल लगाए होंगे, गलत होगा, इशू प्राइस क्लियरली मेंशन है। देखो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईच फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 5 द अर्थमेटिक मीन विल बी। देखो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है मीन के, मेरे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, कभी फुर्सत में वो देख लेना। इसका आंसर होगा इनटू अ कांस्टेंट नंबर,
इंटू अ कॉन्स्टेंट नंबर, 5 × 5 दैट इज 25, आंसर इज 25, ओके। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर, बेटा अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो हमसे आंसर बी ही देते। अगर हमें किसी को पैसे वापस करना है तो क्या कभी लॉस से पैसे वापस कर सकते हैं? नेवर पॉसिबल। तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाते तो भी काम हो जाता, ठीक है। हाँ बेटा, सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड। देखो मूविंग एवरेज मेथड होता है, सेमी एवरेज मेथड होता है, सबसे पहला फ्री एंड कर्व मेथड होता है जिसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड नहीं होता, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, ये आप कर सकते हो, मतलब तो आपको मालूम ही है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब जहां पे एस्टिमेट करना है, बजटिंग से भी होता है, कॉस्ट स्टैंडर्ड से भी होता है, प्रॉफिट प्लानिंग से भी होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ राइट आंसर, मुझको ऐसा लगता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी, ट्रांजिटिव होगा ये, ऑप्शन नंबर 37 का ए, ठीक। एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इंटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड कैश सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ब्यूटी। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फॉर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। देखो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो उसका जो शेयर है वो मतलब एज अ गेनिंग रेशियो जाएगा। अगर गेनिंग रेशियो नहीं होता तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसे गेनिंग मांग लेते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर बी होगा बेटा, ठीक है। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है बेटा, ठीक है। डेटर बेटा इसका आंसर होगा, देखो 2,50,000 माइनस 10,000, 40 और 20 को जोड़ दीजिए 60, दैट इज 2,40,000 डिवाइड बाई 60,000 4 एंड डिवाइड बाई मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज आंसर नंबर 3, 3 मंथ्स इज राइट आंसर। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। अभी मैं जल्दी में कर दे रहा हूँ, मैं इसका एकदम बढ़िया सोल्यूशन आपको दूंगा आगे। अभी आपको क्या है कि आपको इस समय नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस इतना चाहिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ और आज का आज बना रहा हूँ जिससे कि आप जल्द से जल्द मैच करा पाए, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। According to Companies Act 2013, share can be issued by the company at par or premium except section 53. ये discount से related है, वो है नहीं, तो par और premium सही है। Determine of cost from actual expense, historical cost. Actual expense का मतलब हम depreciation chapter में बता देंगे कभी, अभी historical cost समझ लीजिए। historical cost का मतलब actual expense, ऐसे लेके चलिए, ठीक। द टर्म ऑफ प्रीवियस ईयर, देखो असेसमेंट ईयर अगला साल होता है, प्रीवियस ईयर उसके ठीक पिछला साल होता है, तो प्रीवियस ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन तो सही है एकदम, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, ठीक। हमको जो डाउट लग रहा है वो बी का लग रहा है, क्योंकि डोमिनेंट कॉज पॉल्यूशन का एग्रीकल्चर, केमिकल इन एग्रीकल्चर नहीं, डोमिनेंट वर्ड यूज किया है तो मेजर नहीं है ये, मुझे जो यहां तक लगता है। तो 48 का आंसर नंबर बी, ठीक है। 49 का नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, देखो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट की बात कर दिया तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नो डाउट होगा, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बेटा ये भी स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, डी को बेस्ट फिट माना जाता है। कुछ लोग ऑप्शन ये टिक करके आए हैं, इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन इज ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ लोग बोले इंक्रीज इन इफिशियंसी। भाई देखो इंक्रीज करेंगे इफिशियंसी में तभी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो सुटेबल आंसर ए होगा। अ प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग दैट इज जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, ये आपको भी मालूम होगा।
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय कंपनी फुली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, बाकी बी एंड सी नहीं। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिट कॉस्टिंग, सबसे सिंपल आसान यही होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्पेशलाइजेशन। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी 200, मिनिमम नंबर 2, ओपीसी के केस में 1, मिनिमम डायरेक्टर 2, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। कैपिटल ऑफ 50,000, लाइबिलिटी ऑफ 30, तो देखो 50 प्लस 30 दैट इज 80, माइनस 70 दैट इज 10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो इन्फ्लेशन भी जाता है, स्टैंडर्ड भी जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। गुड सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज द क्रेडिट सेल, ओके। सेकेंड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन होता है, ठीक है बेटा। ये 150,000 अगर आप करेंट लाइबिलिटी अपॉन करेंट एसेट यूज कर रहे हो, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी अपॉन करेंट एसेट इज इक्वल टू यूज कर रहे हो, तो 2.5 आप आंसर दैट इज 150,000 निकाल सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर आइडेंटिफाई द राइट वंस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट द डेथ रेट इज हाई। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले स्टेज में अगर आपने पढ़ा हो तो बर्थ रेट भी हाई होता था और डेथ रेट भी हाई होता था, दोनों ही हाई होते थे। और अगर दोनों हाई हैं तो उनके बीच का डिफरेंसेस हाई कैसे हो सकता है, तो मुझे जो ऑप्शन लगा ऑप्शन नंबर डी, नेदर ए नॉर बी, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सरचार्ज 10% इज पेबल बाय इंडिविजुअल वेयर हिज या हर टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10 लाख है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में 15% है, ठीक है, तो 10% इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी दैट इज अ नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप इन एफर्ट टूवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। कुछ लोग मैनेजमेंट लगा के आए होंगे तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग, ओके। 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल अपॉन पीबी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मोटिवेशन इज द रिलेटेड टू लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क प्रोग्रेस, देखो WIP जो होता है दो चीजों का पार्ट होता है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड का और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड का, तो दो चीजों, तो इसलिए ऑप्शन सी। इनकम रिसीव इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एसी, मुझे मेरा मानना है रेसिडेंट, कुछ लोग कह रहे हैं ऑल एसी, मेरे हिसाब से रेसिडेंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशियंट एंड कोरिलेशन एंड कोफिशियंट कैन बी एक्सप्रेस, देखो जो कोफिशियंट होता है, जो कोफिशियंट डिटर्मिनेशन होता है वो आर का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर। जैसे मान लो कोरिलेशन आया है 0.9, तो कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा 0.9 का स्क्वायर, दैट इज 0.81%, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, ओके। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैचुरी कंपनीज इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि बेटा इसका आंसर 800 होगा, कैसे होगा, 2A into B upon C, ठीक। तो 2 into 8,000 into 30 divided by 10 का 7.5% दैट इज अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 6,40,000, इसका आप जब निकालोगे तो बेटा 800 यूनिट्स आएगा, बी सही है। 77 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मींस एंड एंड्स, कंट्रोलिंग होगा। अ कॉस्ट द रिमेन कॉन्स्टेंट पर यूनिट बट चेंज विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट, बेटा ठीक है। आफ्टर रिसेशन बेटा रिकवरी आता है, रिकवरी
रिकवरी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन और इन सब चीज़ों ने रिकवरी आएगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर 80 का आंसर 1:1 होगा, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू जो उसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय टोटल एसेट, ठीक है। देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी लेते हैं और डिबेंचर भी लेते हैं, ठीक है। द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, नॉट टू एट्रीब्यूट्स, टू वेरिएबल्स होगा। 82 का विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। मुझको लगता है बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड चेंज अकर्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स बट नॉट अकाउंट, देन द फर्म प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। द डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे जाता है। द टोटल कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम लॉटरी भी कैजुअल है, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग भी है, रिसिप्ट ऑफ मनी लेइंग ऑन रोड या मनी फाउंड ऑन द रोड, ठीक है। हम लोग की ऐसी किस्मत नहीं होती कि हमको चलते चलते पैसा जब रोड पर मिल जाए, ये क्वेश्चन की किस्मत है, इसको चलते चलते पैसा रोड पर मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्रुअल सिस्टम को मर्केंटाइल कहते हैं, डेप्रिसिएशन AS6, एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए बेटा कंजर्वेटिज्म बना हुआ है, जो फ्यूचर के लॉसेस को तो देखता है लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नहीं देखता, ये कन्वेंशन है, ठीक है बेटा। 89 वाला 4000 यूनिट्स आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैंने बता दीजिए। 90 टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेटेड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाई कॉमर्शियल बैंक्स, बैंक्स प्रोवाइड करता बेटा और कॉमर्शियल बैंक्स देते हैं। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू ओनरशिप टाइटल एग्जिस्टेंस एंड पोजिशन ऑफ द एसेट इज द वेरीफिकेशन, वेरीफिकेशन, ठीक। राइट शेयर मीन्स दोस शेयर विच आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो इस समय प्रेजेंट में शेयर उनको मिलता है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जेड थ्योरी का बेटा आंसर ही उन्होंने रॉन्ग दिया है, औची करके हैं कोई, ठीक है, ये आंसर इसमें है ही नहीं, इसमें आंसर है ही नहीं। ये क्वेश्चन के लिए आप लोग क्लेम कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग आंसर है बेटा। जेड थ्योरी औची ने दिया था, ठीक है, रॉन्ग, कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्लेम कर लीजिएगा प्लीज। हायर द रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग द सम, ये भी मीन की प्रॉपर्टीज है बेटा, ये भी मीन की प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ डिविजन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज दैट इज जीरो, ओके। आर इंक्रीज इन सेल प्राइस लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे जैसे सेल पॉइंट बढ़ता जाएगा हमारा एनपीएनएल क्या होएगा भाई, हमारा सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर एनपीएनएल तो पीछे छूट जाएगा ना, समझा करो बात को। द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभी बेटा मेरा आज का पर्पज केवल आंसर बताना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, देखो ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2018 विल बी असेस्ड इन 1718। देखो जैन है, फेब है, मार्च, अगर ये 3 महीने है तो 1 साल कम करके पेयर बना दो, मार्च है 2018 है, 1 साल कम किया 17-18, ये ट्रिक याद रखना। द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर पे भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी पे भी हो सकता है, कंसेंट पे भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव डी आंसर इज दाइट। व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ सुपरवाइजर डेलीगेट्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। 105 का विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व ऑप्शन नंबर सी आर ऑलवेज, ठीक है उसके आगे आप पढ़ लेना, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। After sale of investment, the balance of sinking fund investment account is transferred to sinking fund account. ठीक है। An arrangement of stop duties whereby no one person is allowed to record every aspect of transaction is called internal check. An orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals is called coordination.
हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स. द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप. जो कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम पे माना जाता है उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं. ऐसी बातें सेक्शन 65 में लिखी हुई हैं. बेटा आफ्टर सेल द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों है तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पॉइंट नंबर डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100. इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप कॉल्ड इज पार्टनरशिप डीड. 18 का ऑप्शन नंबर मुझको सी गलत लग रहा है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मुझको सी लग रहा है बेटा. 19 का टू थर्ड बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कम से कम 14 से 15 प्रॉपर्टी उसको पढ़ लीजिए. अक्सर क्वेश्चन यहां से बनता, ध्यान रखिएगा. ठीक है बेटा. टेलर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो गैंग बॉस होता है बेटा उसको सेटअप फॉर टूल्स एंड मशीन के सेटअप के लिए किया जाता है अपॉइंटमेंट. द डेट इक्विटी रेशियो इज टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी के लिए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो कुछ लोग इसमें ऑप्शन नंबर 8 का टिक करके आए, मैं इसका पूरा फॉर्मूला बता देता हूं. देखो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो आता है उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, जो आता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं. और फैक्ट्री कॉस्ट में बेटा जब ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं, जो आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट. अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस. कुछ लोग कहेंगे सिटीजनशिप गलत आंसर है. और अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन. ठीक है. तो थैंक यू सो मच बेटा. एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए. और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 1 बजे, रात को करीब 12:30-1 बज रहा है. आंखों में एकदम नींद है, थकान है, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.